फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में कपिल रक्षा के। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, अभी मैं फिलहाल सो के उठा हूँ और पूरी रात आज बारिश हुई है तो मौसम थोड़ा चेंज हो गया है। मेरे ख्याल से मॉनसून दिल्ली के अंदर आ चुका है और बारिश हो रही है जबरदस्त वाली। गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी दिल्ली के अंदर और यहाँ से चक में रशा एज इट इज। और कायरा भी सो रही है तो जैसी वो ठीक ही तो मैं उसे दिखाऊंगा। तो चलते हैं, पहले ग्रीन टी बना लेते हैं। जो नोटिंग शुरू की है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, ये वाली है मेरी ग्रीन टी, इको वैली ऑर्गेनिक टी। तो यहाँ हो रहा है पानी बॉयल, तो देखते हैं जब तक पानी बॉयल हो रहा है बाहर का नज़ारा। तो मौसम बहुत ही अच्छा बाहर का, पेड़ भी हमारे हरे भरे हो गए हैं। पूरा गिनिंदी, इन्हें देख के भी बड़ा सुकून मिलता है हम लोगों को। प्लांट्स घर के अंदर बहुत ज़रूरी है, खुशियाँ सी लगती है थोड़ी सी ना, प्लांट्स कहते हैं। तो ग्रीन ग्रीन एरिया है पूरा। तो देखते हैं, चलते हैं अंदर वापस। बाहर का मौसम तो दिखाई दिया आपको। यहाँ रक्षा बेल बजाइए, बेल बजिए, देखते हैं कौन आया है। हाँ जी, देखा भैया, तो कुछ ऑनलाइन सामान हमने मंगवाया था वो आया है ब्लिंकिट से। जो मुझे बताया नहीं क्या क्या मंगवाया है, तो जो रक्षा ने मुझे बोला था वही मैंने मंगवाया और अब मुझसे बोल रही है कि क्या क्या का मंगाया। तो बताया था, आटा बोला था अंदर से। तो सुबह जो मॉर्निंग में हमारा आता ही है सामान, वो तो मंगवाना ही पड़ेगा ना ब्रेकफास्ट के लिए। मैं थोड़ा, मैंने अपना आज मैं सोच रहा था सैंडविच वगैरह खाऊंगा कुकुम्बर मिक्स करके, और ये थोड़ा हमारे जो रेड चींटियाँ हो रही है उसके लिए मैंने थोड़ा सा उसके लिए चौक लगाया था लक्ष्मण लेगा, और ये मिल्क है। डेली प्रोडक्ट्स हैं ये जो हमें नीड रहते हैं। तो देखते हैं, फोन आ रहा है किसी का। और इनकी परझाई का फोन आ रहा है रक्षा की। फोटो के आ रही ना मेरी, तुम्हें फोन करो, एक ही फोटो आती है तो मैं करती हूँ कॉल आपकी। टी-शर्ट सही आई है? तो यहाँ कायरा सो रही है अभी। मेरे टाइट आ रही थी। ये लेट सोती है तो इसलिए ये लेट उठती है हमारी लड़की।
और यहाँ नन बाबज में चल रही है बातें। क्या? हाँ देखो मैं नंदाई भी है ना, वो जाएंगी तभी आऊंगी। अच्छा ही लगता है ऐसे, वो आई है मैं चली जाऊँ घर आ जाऊँ। तो गाइस देख लेते हैं मेरा पानी बॉयल हो रहा होगा। हो गया मेरा पानी बॉयल। तो गाइस थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए ग्रीन टी में मैं लेमन डाल रहा हूँ। तो इससे थोड़ी सी ग्रीन टी हमारी और भी सही हो जाएगी। और थोड़ा मैं ऐड करूंगा इसमें काला नमक फ्लेवर देने के लिए। और इनमें ऐड कर दिया मैंने पानी। और ये दो ग्रीन टी, एक रक्षा की और मेरी, और उसको लेके चलते हैं अंदर और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। ग्रीन टी थोड़ा लेमन फ्लेवर और थोड़ा मैंने काला नमक इसमें ऐड किया तो बहुत मतलब अच्छी लग रही है। सही है, इसी के साथ थोड़ा नींबू पानी भी हो जाएगा सुबह सुबह हमारा। तो यार रक्षा अभी भी लगी हुई है फोन पर फैमिली के साथ। भाभी काली आ रही है। ब्लॉग में दिखा रही हूँ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ नहाकर, पूजा पाठ भी हो चुकी है, गुरुजी का आशीर्वाद भी ले लिया है और किचन में मुझसे ही नहीं रक्षा से भी निकल जाती हैं कुछ चीज़ें। ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। बैठने का क्या है? और यहाँ पर बन रही है रक्षा कभी कभी हाथों की चाय, कभी कभी चाय बना देती है। ओ हेलो, कभी कभी चाय बना देती है। तो ये देखिए वो भी निकलने के लिए तैयार हो रही है। आप नहीं हो मैं ठीक है, वो तो मैं चली गई थी ना तब निकल गई। तो गाइस ये दूध और चाय एक ऐसी चीज है जब तक आप इस पे ध्यान केंद्रित रखोगे तब तक तो ये निकलेंगे नहीं बाहर। और जैसे ही थोड़ा इधर उधर ध्यान हुआ चाय बाहर और दूध भी बाहर। तो और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के, अधिकतर लोगों के साथ होता है ये चीज़ें। और इधर मेरी ब्रेड टोस्ट हो रही है, रक्षा वहाँ पर चाय बना रही है तो मेरी ब्रेड टोस्ट हो रही है, टेस्ट हो चुकी है। तो इस पर लगाते हैं बटर। कायरा जा रही है नीचे अपनी दादी के पास क्योंकि इसकी बुआ आई हुई है, अपनी बुआ के पास जा रही है। बाय कायरा, आई लव यू। नमस्ते। तो यहाँ पर आ गया है शौर्य और मेरी बहन। तो मैंने इस रात को आपको बताया था कि मैं मिल नहीं पाया था तो सुबह जाके उससे मिलूँगा नीचे। तो यहाँ कायरा भी आई है बुआ से मिलने के लिए, यहाँ मम्मी बैठी हुई है।
हाँ जी शौर्य जी, कैसी तबीयत अब? ठीक ठाक है तेरी? हाय गाइस, हाय, हेलो कर दो गाइस। तो गाइस मैं चल रहा हूँ काम पे, मिलूंगा इनसे शाम को, तसल्ली से बात करेंगे फिर। और कायरा जा रही है ताऊ जी के पास। ये मेरी और मौसी की तरफ से है, श्वेता का बर्थडे गिफ्ट पेंडिंग चल रहा था एक हमारी तरफ से। तो हम टॉप वगैरह भी देख रहे थे वहाँ पर, बट हमें समझ में नहीं आ रहे थे, हमने यहाँ भी देखे थे। इसका बर्थडे गिफ्ट है यार, पेंडिंग चल रहा था हमारी तरफ से मौसी और मेरी। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच गया हूँ अपने घर पर और देख लेते हैं ऊपर कायरा और हर्षम और बाकी फैमिली क्या कर रही है। तो यहाँ आ गई है कायरा। तो यहाँ फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं हमारे। यहाँ ये कार्तिक है, ये ईद पे ही आता है हमारे, मतलब आज ईद है तो ईद पे आया, ये ईद ही मिलाद करने आया है हमारे साथ। आज बकरा हलाल होगा। और यहाँ बकरे की चाची खुद ही बकरा बनने में लगी हुई है। तो यहाँ बन रहे हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे गर्मी के अंदर, विद रायता। विद रायता। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में फ्रेश होने के बाद, और ये पराठे यूं ही बनते रहेंगे आलू भर कर। तो गाइस हम बैठे हुए हैं, खाना वाना खाकर, खाना वाना हो गया हमारा, यहाँ रखा भी है। अच्छा तो गाइस आज आलू के पराठे रक्षा के द्वारा बनाए गए हैं, और जिसमें से एक हादसा हमारे साथ हो गया है, कायरा का हमारी थोड़ा सा पैर पे पराठा गिर गया गरम गरम। तो कायरा कहाँ पर गिरा पराठा? उई कहाँ हुई है? उई कहाँ लगी? अच्छा इधर बैठ के दिखाओ कहाँ पर लगी, चेयर लेके आओ इधर, यहाँ पर बैठ के दिखाओ कैसे लगी, कहाँ लगी? पूरा उसके अंदर चेयर रख के बैठेगी। बैठो इधर, आप दिखाओ कहाँ पर लगी है। कह रहा है कि यहाँ पर, मतलब पराठा इसको हाथ में पकड़ाया और इसके हाथ से नीचे गिर गया और इसका पैर पड़ गया उसके ऊपर। तो ये मेरा बहादुर बच्चा है।
गाइस कोई दूसरा छोटा बच्चा होता तो क्या क्या बहुत ज्यादा इसने थोड़े से ही दिखा दो ना उसको कौन है काय डॉल ये डॉल ओए देखो गाइस डॉल है कायरा की इस पे ये डॉल वाओ ये तो बहुत सुंदर है कितनी अच्छी डॉल है तो गाइस ये डॉल दिखाने के लिए बोल दिया मैं शाम को आऊंगी शाम को आऊंगी के भी बाय बाय मैं ब्लॉग में शाम को आऊंगी बाय बाय पैर जल गया पैर पैर जल गया तो गाइस कायरा के मामा जी आ गए हैं उसको देखने के लिए तो बने रहना ब्लॉग के अंदर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में आप अच्छे हैं खुश होके आते पापा देखो डॉल पापा दिखाओ ना डॉल लो डॉल को दिखा दो कायरा तो गाइस कायरा आ गई हम मेरे साथ तो मामा जी इसके आए थे इसे देखने के लिए इसकी शैतानियाँ एवरग्रीन रहती है और अपनी शैतानियों की वजह से इसे लगी भी है तो गाइस छोटे बच्चे होते हैं थोड़े से शरारती होते हैं तो क्या ही कर सकते हैं इनका और यहाँ कायरा की बुआ भी चली गई है नीचे अब मम्मी के पास आ गई अच्छा तो ये गई है बुआ को देखने तो बुआ कायरा को सुबह मिलेगी अब आ जाओ तो गाइस ये अपनी बुआ को बहुत प्यार करती है और उसी के लिए रो रही है कि बुआ चली गई है क्योंकि गाइस ये सबके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है तो उसने मेरी सिस्टर ने बोला था कि इसको थोड़ी देर के लिए अंदर ले जा तो मैं इसे अंदर ले आया था तो वो पीछे से चली गई है तो अब ये रो रही है कि पापा बहुत चली गई क्या ब्लॉगिंग तो फ्रेंड्स मैं इस ब्लॉग का अब यही करता हूँ एंड और मिलता हूँ आपसे नए ब्लॉग के अंदर नए दिन में और रिस्पेक्ट ऑल वुमेंस मम्मी बहन बेटी वाइफ सबकी प्लीज़ रिस्पेक्ट करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और मुझे तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए और कायरा करेगी यहाँ पर टाटा बाय 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 लव यू till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll
trust, yeah.